नमस्कार दोस्तों, ऑल कंपैरिजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है 192 MB का अभी अपडेट आया था 1 से 2 दिन पहले दोस्तों, ठीक है। और जब से ये वाला अपडेट आया 192 MB वाला, इसके बाद से बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए हमारे गेम के अंदर। जी हाँ दोस्तों, हमारे पबजी मोबाइल लाइट के अंदर जैसे ही हम गेम ओपन करते हैं तो बहुत ज्यादा तो गेम पहली बार तो क्रैश हो रहा है, ठीक है। और क्रैश होने के साथ साथ बहुत सारे लोगों का गेम ऐसा है जो ओपन ही नहीं हो रहा है। मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि मेरा गेम ओपन ही नहीं हो रहा है। और ये ज्यादातर प्रॉब्लम जो आ रही है वो दोस्तों आ रही है छोटे डिवाइस के अंदर दोस्तों, क्योंकि मेरे जितने भी फोन है 6-7 फोनों में मैंने ट्राई किया, मेरे सब फोन में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि मेरे पास जितने भी फोन है लगभग सब 4 GB के ऊपर वाले ही रैम वाले हैं फोन, ठीक है। तो उनमें तो दिक्कत मुझे नहीं देखने को मिली है, मगर मेरे एक दोस्त का फोन है जिसपे मुझे दिक्कत देखने को मिली है दोस्तों, ठीक है। और उसके फोन में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब वो ओपन कर रहा है तो ओपन नहीं हो रहा, अचानक से मतलब फिर से उसको लॉबी में फेंक दे रहा है उठा के, ठीक है। और कुछ लोगों का लॉगिन प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों। इस तरह की अगर प्रॉब्लम आपको भी आ रही है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, आपकी प्रॉब्लम 100% मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अपडेट के बाद दो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, एक अपडेट के बाद क्रैश वाली प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, एक गेम के अंदर ही नहीं जाने दे रही है दोस्तों, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम ज्यादातर देखने को मिल रही है दोस्तों। जो क्रैश वाली प्रॉब्लम है इसको तो आप बाहर से ही सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके अदर एप्लीकेशन है उनको आप अनइंस्टॉल कर दीजिए, जिससे कि आपका जो प्रोसेसर है उसके ऊपर लोड थोड़ा सा कम हो जाएगा और आपका गेम जो है वो सही से चलने लगेगा। जो बार बार क्रैश होता है ना वो क्रैश नहीं होगा, और खास करके उन एप्लीकेशन को हटा दीजिए जो बैकग्राउंड में रन करती हो, तो इससे क्रैश वाली जिन लोगों की प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉल्व हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। लेकिन जिन लोगों का गेम अपडेट के बाद अंदर ही नहीं उनको जाने दे रहा है, भैया गेट से ही बाहर कर दे रहा है, तो उन लोगों के लिए भैया एक ही सलूशन है कि आप अपने गेम का डाटा क्लियर करके दोबारा से उसको फिर से लॉगिन करिए, और फिर से आपको ओबीबी डाउनलोड करनी पड़ेगी, और वो जो अपडेट आया उसको भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। लेकिन इससे भी आपका 100% जरूरी नहीं है कि हर एक का इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाए। क्यों? क्योंकि भाई ये जो प्रॉब्लम आई है वो अपडेट के बाद आई है, और अपडेट के बाद गेम का साइज जो है वो बड़ा हो गया है, जिसके कारण जो लो एंड डिवाइस है उनमें गेम प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रहा है। क्योंकि जो ये अपडेट आया है ये आया था दोस्तों आईडी बैन करने के लिए, और खास करके उन लोगों के लिए जो सिक्योरिटी मतलब ये अपडेट सिक्योरिटी अपडेट से रिलेटेड था, और खास करके गन वन वगैरह अपडेट करने के लिए था, और यहाँ पे जो ज्यादा लोग चीटिंग वीटिंग कर रहे थे उनकी आईडी बैन करने के लिए था, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ खास और दिया नहीं गया है, ठीक है। वो लोग अपनी गन की स्किन चेंज करते रहने के लिए छोटे छोटे अपडेट देते रहते हैं, तो इस अपडेट से आपके गेम का साइज जो है वो बड़ा हो गया है, ठीक है। तो जो छोटे फोन है जिनके पास मतलब बहुत ज्यादा रैम नहीं है, बहुत अच्छा प्रोसेसर नहीं है, 710 के नीचे का प्रोसेसर है, तो उनके फोन में प्रॉब्लम करेगा। जिनके फोन में प्रोसेसर क्वालकॉम का 710 के ऊपर है उनके फोन में ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपके फोन में ये प्रॉब्लम कर रहा है, और आपके फोन में अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो आपके फोन का प्रोसेसर कौन सा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। ये चीज जरूर कमेंट करना है कि आपके फोन का प्रोसेसर कौन सा है, ताकि मैं उसके ऊपर सोल्यूशन ला सकूं दोस्तों। ये चीज याद रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मॉडल बता देते हैं प्रोसेसर नहीं बताते हैं। मेरे भाई तो प्रोसेसर बता देना कि आपके फोन में कौन सा लगा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि मेरे पास जितने भी फोन है किसी में भी प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे दोस्त का एक फोन है जिसमें प्रोसेसर बहुत छोटा है तो उसमें प्रॉब्लम कर रहा है दोस्तों, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई इसका सलूशन क्या, तो इसका सलूशन भाई यही है कि आप या तो आप ओल्ड वर्जन में खेल लीजिए, ठीक है, या तो आप अगर ओल्ड वर्जन में नहीं खेलना चाहते तो क्लियर डाटा करके देख लीजिए कि आपको हो सकता है 50% चांस है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर उससे भी नहीं सॉल्व हो रही है तो आपको नए अपडेट का या फिर पबजी लाइट के वापस आ जाने का वेट करना होगा, क्योंकि जब ऑफिशियल तरीके से अपडेट आएगा तभी वो लो एंड डिवाइस की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर पाएंगे। बाकी आपको यूट्यूब पर बहुत सारे लोग टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे ये फाइल लगा लो, ये कर लो, ये जेफएक्स लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, उससे कोई सॉल्यूशन मिलने वाला है नहीं, कुछ भी कर लो ये समझ लो। अगर क्लियर डाटा करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो फिर नहीं होगी, ये तुम समझ लो। फालतू में अपना डाटा और टाइम वेस्ट करोगे कोई मतलब है नहीं। मैं आपको सही चीज बता रहा हूं तो वो हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपको बुरा लगे, लेकिन आपको उससे डाटा और आपके टाइम के वेस्ट जो हो रहा है उससे आपका टाइम बच जाएगा दोस्तों। तो ये वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है, जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, नए वीडियो पाने के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बटन दबा देना।